17वीं लोकसभा के गठन की कवायद अब पूरी होने को है। 7 चरणों की मैराथन वोटिंग प्रक्रिया के बाद आज यानी 23 मई को मतगणना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन है। हालांकि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया गया था और यही देखने को भी मिल रहा है। टीएमसी के टिकट पर बंगाल सिनेमा के 5 बड़े सितारे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कुछ को हार मिल चुकी है। कांग्रेस के टिकट पर राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा और उर्मिला मंडोटकर मुंबई से चुनाव लड़ रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना से हार चुके हैं और उर्मिला मंडोटकर भी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर बॉलीवुड और भोजपुरी सितारों को टिकट दिया। इनमें सनी देओल गुरदासपुर से, जो कि जीत चुके हैं, हेमा मालिनी मथुरा से, जो कि जीत चुकी हैं, रवि किशन गोरखपुर से, वो भी जीत चुके हैं, और निरहुआ आजमगढ़ से। प्रकाश राज भी बेंगलुरु सेंट्रल से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को रुझानों में भारी जीत हासिल हो रही है। वे कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित से 3 लाख से ज्यादा मतों से आगे हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने की बधाई दी है। सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी को जीत की ढेरों बधाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत के बाद फैमिली के साथ जश्न मनाया। कंगना ने फैमिली के लिए कुक किया और कुक कर जश्न मनाया। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को भारी मतों से जीत मिली है। गोरखपुर में रवि किशन 3,01,664 वोटों से जीते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद रवि किशन ने समर्थकों का धन्यवाद किया। रवि किशन ने कहा कि ये सच है कि झूठी हमें पता नहीं चल रहा। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस की इस पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी की हार बड़ा सेटबैक है। अमेठी से जीत तय करने के बाद स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता।